सो गाइस गाड़ी रिपेयर हो गया मतलब टायर। अभी हम लोग एक जगह पे रुके हैं कुछ खाने के लिए, कि हनी बनी को तो खिला दिया है, हमने नहीं खाया है, तो देखते हैं कुछ मिलेगा तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। वैसे हमने मंचिंग का सामान बहुत कुछ रखा हुआ है, बस बट इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सुना था तो इसीलिए आए हैं इधर। रेस्टोरान ब्रेलो फेरुकैक फेरुकैक, कोई कैक बोल रहा है कोई चैक बोल रहा है, मतलब उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देना। ये बहुत मस्त है, ये वाटरफॉल के ऊपर बना हुआ, ये सीधे आके द्रिना रिवर में इसका संगम हो रहा है। ये वाटरफॉल के ऊपर ही इनका रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, पूरा ऐसे जंगल थीम में, जंगल थीम क्या, जंगल के अंदर ही बनाया है, थीम नहीं। ए डुगु काम डुगु विजिट दे vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. So guys, जोर से बारिश होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे बैठने वाले थे, वाह, बट लेकिन क्या मस्त नज़ारा है, बारिश में भी बहुत ज़बरदस्त नज़ारा हो रखा है। क्यों, चलो अब अंदर बैठते। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हमारा प्रोग्राम है वो रिवर्स चल रहा है, तो दिस वाज ऑन आवर लास्ट टूर्स। एक बार हम लोग ये खाना खा के फिर इधर से हम बंजा सेना करते हुए फिर जाते जल्लाती बोलते, लेकिन अब गाड़ी वो टायर ठीक कराते कराते पहले ये कर रहे हैं, फिर ये करते करते हम बाकी चीज़ें करते हुए जाएंगे। लेट्स सी अगर बारिश का मौसम कैसा क्या रहता है, ऊपर को कैसे जाना है, तो स्टे ट्यून्ड। गाइस झमाझम बारिश शुरू हो गई है, मेरी बीवी द्रिना रिवर के ऊपर बैठी हुई है, मैं आपको एक नज़ारा घुमा के लेके आता हूँ, आइए मेरे साथ। कम कम कम, बारिश तेज़ हो रही है, लेकिन उसके बीच में कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जिसको देख के दिलकश नज़ारे सामने दिखता है। अगर आपको दिखेगा, ये देखिए बारिश में कितनी तेज़ हो गई है, अभी अपनी झरनों का रुख देखिए कितना तेज़ हो गया है, वाह। हनी बनी यू आर एंजॉयिंग इन द रेन और व्हाट, ऐ चलो चलो चलो, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। वो देखो, पता नहीं मेरी बीवी कौन से बारिश के ख्यालों में क्या देख के क्या सोच रही है। किस सोच में डूबी हुई थी भाई, मज़ा आ रहा है। तो गाइस अगर आप लातीपुर आ रहे हो तो इस रेस्टोरेंट में आके एक बार खाना पता है, खाने का मुझे पता नहीं बट एम्बियंस एक बार आप जरूर एंजॉय करना, बहुत अच्छा है। ये बहुत ही कस्टमाइज बना, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता था। मेरे बाजू में वेजियर में जो बंदा बैठा हुआ था, पहले तो मैं उससे शेयर करने में, लेकिन वो वेजियर का ओवरऑल टेक्निकल हेड था, तो उसने मेरे को बताया कि उनका तारा नेशनल पार्क में घर है, और उसने बहुत ज़बरदस्त रिकमेंड किया कि फैमिली के साथ जाओ तो जाओ। फोटो दिखाया उसने अपने, तो मैं फोटो देखते मैंने ओके कर दिया भाई आएंगे, लेकिन फोटो सही बताऊँ तो फोटो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते हैं जितना सुंदर ये जगह है। राइट, नीली नीली नदी, हरियाली चारों तरफ, और यू नो वाटरफॉल वाइट कलर का, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। हाँ, ये देख पूरा ग्रीन। एक बात और है, अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जगहों पे लोग जंगल थीम में रेस्टोरेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो यार नेचर ने पूरा पूरा जंगल ही बनाया, उन्होंने जंगल के बीच में रेस्टोरेंट बनाया, जंगल के बीच में रेस्टोरेंट का मजा ही अलग है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बारिश की जो छोटी छोटी मतलब हल्की हल्की फुहारे पड़ रही है, हमने फिश ऑर्डर किया है, आई थिंक यही रिवर से फिश वो लेते हैं और ग्रिल करके देते हैं, पता नहीं, क्योंकि हम लोग जब जॉर्जिया गए थे याद है, ऐसे ही रेस्टोरेंट पे खाए थे ट्रॉट, मतलब वो बोलते हैं फ्रेश। हाँ, वहीं पे ही जॉर्जिया में भी ऐसे ही हम लोग एक नदी किनारे बैठे थे, वहीं से फिश लिया, वहीं पे ग्रिल किया दिया था जॉर्जिया में। अमेजिंग अमेजिंग। I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails.
खाना फिश बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश, यही रिवर से लिया है, बहुत मेरे ही अच्छा। खाने के स्टाइल से मत जाना। पहले हम लोग छुरी कांटे से खा रहे थे, फिर हमने सोचा कि छोड़ो, इसके अंदर जितने कांटे हैं ना आप नहीं खा सकते। और आपके पास एक और ऑप्शन है, जो लोग फिश लवर हैं और कांटे नहीं खा सकते हैं, फिले भी है, तो इसके लिए आपके लिए फिश फिले भी है। यहाँ पे ये जो सर्बियन लेडी बैठी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में सेटल है बट सर्बियन है, वो पूछ रहे हमें आप ये कैसे खाओगे कांटा। हमने बोला हम एक्सपर्ट है फिश कांटे, भाई हमने बोला हम उड़ीसा से हैं, हम एक्सपर्ट हैं, बचपन से ही हमें ये पूर्ण सिखा दिया आपने। तो ये पानी में से धुआं क्यों निकल रहा है? पता नहीं। देखो रोड में भी जो पानी जा रहा है ना उसमें भी धुआं निकल रहा है, देखो ये धुआं की रोशनी है, रोशनी का है धुआं, देखो अभी तो अभी तो हो गया। हाँ देखो We are dreamers of the shore. कौन सा डैम देखने आए हो? जिस रिवर का मच्छी खाया? सुजुद्रीना रिवर, यहाँ पे हम लोग बैठे थे ना, वो है इस मतलब उस रिवर का, ये है डैम। ये है उद्रीना रिवर का डैम। मैं जीत को बता रही थी कि ओडिशा में जो हीराकुद डैम है, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है ओडिशा में, जीत कभी देखे नहीं है ना, मैं कभी उनको लेके जाऊंगी, जाएंगे तो बहुत लंबा डैम है वो। तो ये है द्रिना रिवर का डैम। हाँ फिश, अच्छा ये जो फिश तैर रहे हैं यही खाया हमने। हाँ ये रहा, ये है, सुनो क्या मैं भूल जाती हूँ नाम, पेरुचेक लेक एंड यहाँ पे ऐसे हाउस बोट्स बने हैं सारे, एंड अंग्रेज यहाँ पे फुल मस्ती कर रहे हैं, पूरा अपना वाटर एक्टिविटी सारा ना वो खुद लेके आते हैं और सब कर रहे हैं, बोट्स वगैरह देखिए, हाउस बोट्स हाँ? देखो जंगल में घुस गए। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग सुबह से जंगल में घूम रहे हैं, और आप लोग दो ब्लॉग से देख रहे होंगे हम जंगल में ही घूम रहे हैं। जंगल जंगल बात चली है पता चला है। जीत अपने आप को मोगली समझ रहे हैं और सुबह से जंगल में घूम रहे हैं। ये बोले पहुंच गए, देखा ये कैसा पहुंच गए। ये जैसे एक फेरी लैंड की तरह दिख रहा है। इट्स अ फेरी लैंड लाइक इट देखो, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। पानी वेरी नाइस, वाटर वेरी नाइस, जीत वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट।
अब इशारों लैंग्वेज में ही बात करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पानी के बॉटल्स में नाम कुछ लिखा नहीं होता ना, वाटर है क्या है। जीत गलती से सोडे का 2 लीटर का बॉटल ले आए हैं, तो अभी पानी हमारे पास है नहीं तो यहीं से भरेंगे, क्योंकि रास्ते में तो ये पूरा जंगल है यहाँ पे, तो अभी कोई शॉप नहीं मिलेगा कि पानी ले, तो यहाँ से ले रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर। बर्फ का पानी है भाई, बर्फ पानी है, फील्ड पानी मतलब अच्छा पानी, पी लो, बाकी छोटा सा ही बोतल है। अमृत अमृत अमृत, ये वाला जीत पानी समझ के ये 2 लीटर का सोडा लेके आ गए। सुनो, ये सोडा फिर जो ये कर दो ना, फेंक दो सोडा और पानी डाल दो, भर लो इसमें। ये ले, थोड़ा क्या वाला पानी पी जरा। हाँ। चिल्ड कैसा है? वाह, पी के देख। सो मच महंगा है, सोनो टेक केयर। हाँ, पानी ज्यादा महंगा है ना, सोडा सस्ता है। हाँ, पानी 1 लीटर है 80 दिनार का और सोडा 2 लीटर का 60 दिनार का मिल गया। हाँ, इसको अच्छे से धो के लाना नहीं तो सोडा का स्मेल आएगा। ये सब फ्लावर्स देखिए गाइस, जो हम लोग बुके बनाते हैं रोज़ के साथ में, ये छोटे छोटे येलो फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स, वो जो डाल के देते हैं ना, ये वाइट वाले जो बुके में, ये वही सब फूल है जो यहाँ पे जंग क्या हुआ, भंवरा बैठा है क्या कर रहे हो जंगल में, एनिवर्सरी में बुके नहीं दिया था उसका बना रहे हो? भंवरे आपके पीछे पड़ गए, उनका फ्लावर लेके आ गए, उनका फ्लावर लेके आ गए, पूरा बुके बना दिया है देखो जंगल से फ्लावर तोड़ तोड़ के। कैसा लगा मेरा बुके? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो, नाइस फ्लावर्स फॉर मामा, चलो विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, लव यू। वाओ, सो गाइस एनिवर्सरी में हमने डिनर, गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आप पहले बताएगा ये मेरा बुके आपको कैसा लगा। सो एनिवर्सरी में हमने अच्छे से डिनर वगैरह पे हम लोग नहीं गए थे, तो आज हमारा वो डिनर भी हो गया पूरा जंगल के बीचों बीच, और जो बचा हुआ था फूल बचा हुआ था बुके, तो अगर आप इसको देखेंगे फ्रेश पिक्ड फ्रॉम द नेचर है, और उसको बुके बनाया गया इस तरीके से, उसको घास से बांध के रेडी किया गया। तो बुके भी हो गया, एनिवर्सरी का बुके हो गया, डिनर सॉरी मतलब खाना भी लंच भी हो गया। ये नॉर्मल बुके से कितना सुंदर बुके बनाया ना गाइस, इसका कितनी कीमत लगाएंगे बताना, दिरहम्स में, रुपीस में, किसी चीज में, लेकिन ये बिकने वाला नहीं है, अनमोल है ये, अनमोल। अभी बड़ी मेहनत लगी यार, मजाक कर रहा हूँ। अभी एनिवर्सरी का और एक चीज बाकी है जो की है शॉपिंग, वो कराने लगे। So let's go now. चलिए, मस्त है ना बुके, मिलते हैं लातीबोर में। मतलब ये जंगल से तोड़ तोड़ के ये अभी बुके कितने का आता है ना। चलो, इसका भी मजा था। We are dreamers of the सभी आ गए हम लोग लातीबोर का जो मार्केट एरिया को सेंटार बोलते हैं ये लोग, तो देखते हैं कुछ शॉपिंग के लिए कुछ अगर मिलेगा तो मिलेगा, वरना एटलीस्ट सोविनियर तो लेके ही जाएंगे याद, मतलब कि याद के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं।
और क्या, और पहले भी एक खा चुके हो, तीन दिन ऐसे, और कल खा 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 करोगे बैठ के। हाँ सो गाइस, रात के अभी करीब 11 बज रहे हैं एंड यहाँ पे देखिए कितनी हैपनिंग जगह है। मोस्टली यहाँ पे टूरिस्ट ही हैं, जो भी लोकल्स हमें मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अभी रिसेंट 2-3 साल में ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे हैं एंड इसीलिए वो सब बहुत ज़्यादा हैपनिंग बना के रखा है जगहों को। तो बस शॉपिंग तो हमने ऐसा जैसा कुछ किया नहीं, कुछ मिला नहीं हमें, बस सोविनियर जो है वही लिया है एंड बस अभी हम लोग रूम में जाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे। कल हमें यहाँ से निकलना है लातीबोर से। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस। This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the